अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद है मेरे चैनल मेट्रो रियल इस्टेट हैदराबाद पर। मैं आपका दोस्त मोहम्मद निज़ामुद्दीन जुनेद, और सुबह से फिर बोलना चाहूँगा भाई, जो भी चैनल पर नए हैं या वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे यह फ़ायदा रहेगा जब कहीं भी मैं नए वीडियो डालूँगा आप तक पहुँच जाएगी। बेल आइकन्स के ज़रिए आपको मालूम पड़ जाएगा कि वीडियो डली है नहीं। बेल पे ऊपर नंबर्स डलेंगे आपके यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब के सिग्नल पर बेल जहाँ होती है। और जिस किसी को भी मेरे चैनल के ज़रिए वीडियोस डलाना है सेल्स के या रेल के, तो आप मेरा नंबर स्क्रीन पे है 9985753300, मोहम्मद निज़ामुद्दीन जुनेद मेरा नाम है, उस पर कॉन्टैक्ट करें। नॉमिनल फ़ीस पे वीडियोस अपलोड की जाएंगी। देखिए, आज जो मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ एक बेगमपेट से है, जहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी कही जाएगी क्योंकि इसके किराए बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं ओनर से पूरा डिटेल लिया हूं और रास्ता आपको छोटी स्क्रीन पे बता रहा हूं क्योंकि इस रास्ता काफ़ी लंबा है, इसी वजह से जो मेन रोड है वहां से शूट किया था तो आप तक लाया हूं। तो ये बिल्डिंग की खासियत ये रहेगी, 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, एक एक फ्लोर भी अगर आप ख़रीदना चाहेंगे तो ख़रीद सकेंगे, या पूरी बिल्डिंग का भी अमाउंट बोला गया है अगर उसमें भी है, और जितना इस बिल्डिंग का किराया रहा वो भी बताया गया है। तो बेगमपेट एरिया में ख़ुद रहने के लिए भी अगर कोई एकाध फ्लोर देख रहे हैं तो फ्लैट जैसा होता है सिस्टम, उस टाइप है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको किराया और मज़ीद डिटेल पूरा लिया हूँ जावेद भाई से। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद है मेरे चैनल मेट्रो रियल इस्टेट हैदराबाद पर। मैं आपका दोस्त मोहम्मद निज़ामुद्दीन जुनेद एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी के साथ जो आएगी बेगमपेट पे, जो ओनर है जावेद भाई मेरे साथ है, आपको रास्ता बता लेते ले जा रहा हूँ। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये मुकाम बेगमपेट ओल्ड कस्टम बस्ती। ओल्ड कस्टम बस्ती, तो भाई का घर इसी रोड पर है, जो जाने का रास्ता है काफ़ी बड़ा है, थोड़ा आगे नैरो रोड है वो भी बताऊंगा आपको। तो जावेद भाई मेरे साथ है, पूरा डिटेल लेते हैं, ये जाने का रास्ता बता रहा हूं आपको। ये देखिए, इसको जो प्रॉपर्टी है अच्छे किराए है इसके, इसलिए जावेद भाई से पूछेंगे घर देखने के बाद। तो इसको जो बैक साइड का एरिया आ रहा ये है, क्योंकि अंदर आने का रास्ता थोड़ा छोटा है, लेकिन यहाँ पर आप अगर आप कुछ काम कराते हो उसमें मज़ीद मटेरियल वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ लगा सकते हैं ना जावेद भाई? बिल्कुल यहाँ डाल सकते हैं। ये देखिए बड़ी रोड है बिल्कुल, जो घर में जाने का रास्ता है थोड़ा कम है जगह। ये देखिए इस तरह के गलियाँ हैं यहाँ, ये देखिए आप, यहाँ पर काफ़ी बिल्डिंगा हैं इसी तरह बने हुए है, एक आध घर नहीं है। ये देखिए इसको दो तरफ से रास्ते रहेंगे, ये रास्ता एक है और एक मैं दूसरा रास्ता भी बताऊंगा आपको। ये देखिए घर का फ्रेज बता रहा हूँ मैं आपको, ये रास्ते आने के है। ये देखिए रास्ते आने के है, तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर रास्ते कम है लेकिन यहाँ के किराए वगैरह माशाल्लाह अच्छे है, उसके लिए बात करेंगे। ये देखिए मैं बाहर से आपको जो घर का एरिया है बता रहा हूँ, ये पूरा यहाँ से है। जावेद भाई ये फेज कितना आइडिया है क्या आपको? पेपर्स में है। ये देखिए काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये देखिए यहाँ से बता रहा हूँ आपको मैं, G+3 बताई जा रही है बिल्डिंग। देखिए जैसा हम इंटर हो रहे हैं आपको स्टेयर्स है, और कितने किराएदार है कितना आ रहे हैं जाहिद पे से लेंगे। जाहिद पे ये क्या है? ये नल है जी, इस तरफ एक नल है, वो गेट में एक नल है जी, दोनों बोर है और एक एक रिसेंटली बोर लगाया, उसमें एक मोटर भी लगाना है आज। तो जावेद भाई इसमें मतलब बोरवेल पानी ज़्यादा है बोल रहे हैं आप? हाँ पानी है, बोरवेल दो बोर है इसके अंदर जी, दो नल है इसके अंदर में। तो सारे किराएदारों को यहीं से सप्लाई? हाँ यहीं से सप्लाई है। ये नीचे क्या है, एक ग्राउंड फ्लोर है क्या? ग्राउंड फ्लोर है, 4 रूम है नीचे भी, इसमें भी पूरे किराएदार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका किराया चालू है, किराया चालू। चलिए मजीद टोटल किराया आपसे पूछ लेते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर हो गया हमारा, हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पे किराया चालू है ना जाइए? हाँ, जी हाँ किराया चालू। और एक कॉमन वॉशरूम है जैसा स्टेयर्स हम चढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसा हम ग्राउंड फ्लोर खत्म करें फर्स्ट फ्लोर सीढ़ियां चढ़ के आने पे हल्का सा यहाँ पर ड्राइंग रूम टाइप जगह है, जहाँ सोफे वगैरह डले हुए आप देख सकते हैं, और उसी से लगकर बिल्कुल ये हॉल है हमारा। और हॉल देखिए पूरी सीलिंग करा हुआ है, देखिए आप 20 फीट का हॉल है, 20x10 है, ये 20x12 है, 20x12 20x12 आएगा, ये 20 फीट ऐसा लंबाई रहेगी, 12 फीट चौड़ाई रहेगी जो सीलिंग के साथ है। ये देखिए आप, और ये हॉल ख़त्म होते इधर एक बेडरूम है, ये देखिए फर्स्ट फ्लोर का जो है बेडरूम है, यहाँ पर बेडरूम जैसा ख़त्म करा हुआ है जी। तो ये बताइए अच्छा, ये देखिए कबर्ड्स वगैरह बने हुए डेकोलम में पूरे, आपको इधर भी अलमारी वगैरह है,
तो जावेद भाई जो भी खरीदेंगे आप मतलब पूरा फर्नीचर के साथ देंगे? फर्नीचर के साथ जी, इसके लिए भी बात करेंगे। ये देखिए अच्छा कलर वगैरह करा हुआ है, रेडी टू मूव वाला घर है फर्स्ट फ्लोर। और इसमें दो तीन ऑप्शन रहेंगे, मैं जावेद भाई से जब बात करूंगा आप लोगों से बीच लाऊंगा, क्योंकि तीन फ्लोर बने हुए, तीनों के रजिस्ट्री अलग अलग करे हुए। ये भी रूम है ना? है, उसमें थोड़ा बाजू हटा था मैं। नहीं नहीं बस खाली इधर बता देता हूँ, दूर से आप ले लीजिए। ये देखिए दूसरा वाला रूम है हमारा, जो बिल्कुल इस तरह फर्निश फर्निश से बोलेंगे आप इसको, क्योंकि ऊपर के कवर्ड्स खोलिए जाए पर एक जी कवर्ड्स जी कवर्ड्स वगैरह है, सामान है अभी इसमें, पूरे कवर्ड्स बने हुए ना जाए जी जी पूरे कवर्ड्स बने। देखिए यहाँ कवर्ड्स बने हुए हैं, आपको अलमारी वगैरह है सामान के लिए भी जी। ये किचन है क्या? जी हाँ किचन, ये किचन है। देखिए किचन में भी कवर्ड्स सिंक वगैरह लगा हुआ है पानी का। ये भी अलमारी जरा हल्का खोलिए आप, ये देखिए पूरे बने हुए। तो ये दो रूम हॉल हो गया हमारा, और आपको किचन भी इसी में अटैच है, और यहाँ पर बालकनी है। ये देखिए बालकनी, ये बालकनी से आपको बाहर का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, खुला है बिल्कुल यहाँ पर। आजू बाजू भी देखेंगे आप काफ़ी बड़े बिल्डिंग्स हैं जी जाहिद भाई। यहाँ पर जो है अपना दो बेडरूम है बड़े, हॉल है जी, किचन है, किचन है, अटैच बाथरूम है, बाथरूम है। ये ज़रा बाथरूम भी बता दीजिए, बाथरूम कर रहे हैं, ये बाथरूम है आपको, ये देखिए अटैच बाथरूम है, इधर डब्ल्यूसी है जी, काफ़ी बड़ा है देखिए, लंबाई में काफ़ी है यहाँ पर आपको इंडियन डब्ल्यूसी के साथ। देखिए बाथरूम है ये स्टेयर्स के साथ, और जैसा हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, देखिए ये बिल्कुल वैल्यूबल। देखिए अभी मैं सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ख़त्म हुआ ना जैद भाई, फर्स्ट फ्लोर ख़त्म है, ये सेकंड फ्लोर का है। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, मतलब किराए पे ज़्यादा जाता है यहाँ पर, कंपनीज फैक्ट्रीज बहुत सारे लोग हैं जहाँ। तो जावेद भाई ये कैसा दिया हुआ है, रूमा है कैसा है? ये अभी तो लॉक से रूम सब किराए पे दिए हुए हैं, देखिए सब पूरे जी, सर आजू बाजू का घर है। ये रूम सिंगल सिंगल के हिसाब में, सिंगल के रूम में है, डबल के अंदर सब चीज, नहाना धोना बाहर निकल जाना हुआ हिसाब तो, में 24 आवर्स वाटर है इसके अंदर में जी जी, एक दिन भी एक रूम खाली नहीं रहता, आज खाली हुआ कल चले जाता इसमें। अच्छा किराएदारों की कमी नहीं है? बता कमी नहीं है किराएदारों की। देखिए थर्ड फ्लोर पे हूँ मैं, और ये थर्ड फ्लोर पे देखेंगे आप बिल्कुल गए हुए रूमा है बिल्कुल यहाँ पर। ये भी इसी तरह बना हुआ क्या जाहिद भाई? जो सब इसी तरह बने, ये डबल ये राइट साइड वाले डबल डबल रूम है, बाकी सब सिंगल सिंगल है ठीक। तो देखिए मैं बिल्कुल टॉप पे आ गया हूँ, तो जाहिद भाई मेरे साथ है, ये आसपास का नज़ारा बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ टाकियाँ वगैरह लगे हुए जो पूरे घर को सप्लाई होता है पानी, और यहाँ पर भी जाहिद भाई दो रूम दिख रहे हैं जी। हाँ दो रूम है ये जी, इसमें भी किराएदार है, इसमें भी किराएदार है, मतलब किराएदारों की कमी नहीं है बोलिए जगह। तो ये देखिए ऊपर से नज़ारा बता रहा हूँ आपको मैं, ये जो मेन रोड है ना जाहिद भाई? जी हाँ मेन रोड है, ये कॉलोनी की रोड है पीछे से। अच्छा रेलवे ट्रैक के, और यहाँ जगहों की वैल्यू बहुत है। ये बिल्कुल मस्जिद है ना लग के अपने? जी हाँ ये मस्जिद है, मामदिया मस्जिद, मामदिया मस्जिद के मेम्बर के पीछे अपना घर है। अच्छा माशाल्लाह जी, मामदिया मस्जिद। तो ये जाहिद भाई है जो इस जायदाद के मालिक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, सबसे पहले ये मुकाम फिर एक बार जानना चाहूँगा आपसे, जो आपकी प्रॉपर्टी बिकने की है जी, कौन सा मुकाम है? ये एरिया का नाम देखे बेगमपेट रेलवे स्टेशन, ओल्ड कस्टम बस्ती बोल के बोलते हैं उसको, पहले से यही नाम है, आज तक भी यही नाम है जी। जाहिद भाई जी, तो जाहिद भाई ये जो प्रॉपर्टी है इसमें पानी की सहूलत बात करूँ तो क्या है? पानी की सहूलत देखिए साहब, दोनों गेट में दो नल है अपने पास जी जी, दो बोर है अपने पास, 24 घंटे पानी की सहूलत है अपने पास, और किराएदार कभी भी आ सकते हैं आप, रेल का इंतजाम है, बस का इंतजाम है, बस मतलब मेन रोड से काफी नजदीक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस 5 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पे आपको जो है सब मेन रोड है, स्टेशन भी 1-2 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस पे स्टेशन है रेलवे स्टेशन। चलिए माशाल्लाह ये चीज तो हो गई। 5-star होटल भी यहाँ पर बिल्कुल करीब है आपको, हर वो चीज यहाँ को करीब है आपको, जो सब मेट्रो स्टेशन भी करीब है यहाँ से आपको, MMTS का बस स्टेशन, हर चीज की वो तो देखा है बिल्कुल, बेगमपेट बोले तो रिहायशी इलाका और बिल्कुल एकदम सेंटर, गोल्ड इज गोल्ड एरिया है। अच्छा माशाल्लाह, पानी की तो सहूलत बता दी, अब नल भी ये बता रहे हैं, बोरवेल भी ये बता रहे हैं इसमें जी। और इसमें कितने फ्लोर बने हुए? ग्राउंड से आए अपन, ग्राउंड फ्लोर से देखो G+3 है, ऊपर पेंट हाउस पे दो रूम है जैसा जी जी,
ये डॉको अगर कितने गज पे टोटल नीचे ग्राउंड फ्लोर आपका? ग्राउंड फ्लोर पूरा टोटल 100 गज पे है समझे, 100 गज पे बना हुआ है। और एक बात, डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो मैं, डॉक्यूमेंट में भी वही रहता समझे? नहीं, रजिस्ट्री कैसा करी हुई है? रजिस्ट्री है ना, रजिस्ट्री जो है सो आपको फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करी हुई है। फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करी, यानी कि ग्राउंड फ्लोर की अलग है, फर्स्ट फ्लोर की अलग है, सेकंड फ्लोर की, थर्ड की अलग जी। तो यानी कि अगर कोई खरीदना चाहे तो आप इस तरह भी बेचेंगे क्या, फर्स्ट का अलग सेकंड का अलग, इस तरह? उस तरह से भी अलग अलग बेच देंगे, या अगर कोई लमसम लेने वाला है तो लमसम में भी बेच देंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई अगर अपना बजट अच्छा है आपका तो पूरी बिल्डिंग ले सकते हैं आप। अगर मैं सीधे किराए पे आऊं तो क्या उम्मीद हो रही है किराए की? अभी जो आ रहा आपको एक एक फ्लोर का जो है सो आप 20,000 पकड़ के चलिए, टोटल आप 70,000 रुपये किराया इसका आ रहा अभी। अच्छा, ऊपर टॉप के दो रूम भी मिला के जो है। तो अगर पूरी प्रॉपर्टी की क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? पूरी प्रॉपर्टी की 1,20,00,000 रुपये उम्मीद कर रहा हूँ। 1.2 करोड़ जी हाँ, 1,20,00,000 रुपए उम्मीद कर रहे हैं, किराया 70,000 रुपए अभी आ रहा आपको? जी आ रहा प्रेजेंटली जी। तो अगर बेचने के ताल्लुक से रहा तो पूरा लमसम देंगे, या अगर कोई एक एक ग्राउंड फ्लोर लेना चाह रहे हैं या फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर या टॉप भी है तो? अगर कोई डायरेक्ट लेना चाह रहे पूरी बिल्डिंग तो पूरी बिल्डिंग देंगे, या फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ऐसा भी लेना चाहे तो एक फ्लोर दो फ्लोर वैसा भी दे देंगे। एक मसला, अगर कोई खरीदने के बाद उसका किराया चालू हो जा सकता? बिल्कुल चालू हो जाता किराया खरीदते ही। चलिए ठीक है जाहिद भाई, आपका नंबर टाइटल में दे दूंगा, जो भी इंटरेस्टेड है। जाहिद भाई एक बार अगर आपसे यहाँ अगर रब्ता पैदा करना है तो लोकेशन तो भेज देंगे आप? जी बिल्कुल भेज दूंगा। अगर नज़दीक में जो लैंडमार्क एरिया बोले तो मस्जिद कौन सी है? मोहम्मदिया मस्जिद है। चलिए मोहम्मदिया मस्जिद कने बेगमपेट पे आ जाए आप, या भाई लोकेशन भेज देंगे। जो भी इस तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं वो लोग भाई से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। अल्लाह हाफिज़।